टीचर फ्रॉम फर्स्ट क्लास. टुडे आई टीच चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्वीट हैबिट्स, मीठी आदतें. नंबर फर्स्ट है व्हेन यू, डब्ल्यू एच ई एन व्हेन, वाई ओ यू एम डबल ई टी मीट, समवन एस ओ एम ई सम ओ एन ई वन. व्हेन यू मीट समवन, जब आप किसी से मिलते हो तो आप क्या कहते हो, क्या क्या बोलते हो? हेलो, एच ई डबल एल ओ, हेलो. व्हेन यू मीट समवन, डब्ल्यू एच ई एन व्हेन, वाई ओ यू एम डबल ई टी मीट, एस ओ एम ई सम ओ एन ई वन. व्हेन यू मीट समवन, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पहले हेलो, एच ई डबल एल ओ, एच ई डबल एल ओ, हेलो. क्या बोलते हैं? हेलो, एच ई डबल एल ओ, हेलो. नंबर सेकेंड, फोर एफ ओ आर, फोर ए एफ के आई एन जी, आस्किंग समथिंग, एस ओ एम ई सम टी एच आई एन जी एस सम, फोर आस्किंग समथिंग. जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, एफ ओ आर फोर ए एस के आई एन जी आस्किंग, एस ओ एम ई सम टी एच आई एन जी एस टी एच थिंग्स, फोर आस्किंग समथिंग. करेक्ट आंसर इज प्लीज, पी एल ई ए एस ई प्लीज, पी एल ई ए एस ई प्लीज, पी एल ई ए एस ई प्लीज. अब है नंबर थर्ड, व्हेन यू डब्ल्यू एच ई एन व्हेन, वाई ओ यू जी ई टी गेट, जी आई एफ टी गिफ्ट, एफ आर ओ एम फ्रॉम समवन, एस ओ एम ई सम ओ एन ई वन. When you get gift from someone, W H E N when, Y O U G E T get, G I F T gift, F R O M from, S O M E some, O N E one. कि जब हमें किसी से उपहार प्राप्त होता है तो हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं बेटा लास्ट में? थैंक यू, P H A N K Y O U, T H A N K Y O U, thank you. Thank you means धन्यवाद. Thank you means धन्यवाद. Number four है when you leave, W H E N when, Y O U L E A V E leave, S O M E some O N E one someone, or sneeze S double E S N double E Z E sneeze. W H E N when, Y O U L E A V leave, S O M E some O N E one, O R or S N double E Z E sneeze. जब हम किसी को छोड़ के जाते हैं या हम छींकते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? सॉरी. क्या बोलते हैं? सॉरी, S O double R Y, सॉरी. सॉरी मीन्स क्या होता है बेटा? गलती, गलती मानना. When you leave someone or sneeze, जब हम किसी को छोड़ते हैं या फिर छींकते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी, एस ओ डबल आर वाई, सॉरी. सॉरी मीन्स गलती मांगना, माफी मांगना. नंबर फिफ्थ है व्हेन यू, डब्ल्यू एच ई एन व्हेन, वाई ओ यू जी ओ गो, टी ओ टू बी ई डी बेड, एफ ओ आर फोर एस एल डबल ई पी स्लीप, टी एच ई एन देन, Y O U S A Y say. When you go to bed for sleep and then you say, जब हम बेड पर सोने के लिए जाते हैं तो हम लास्ट में सबसे क्या बोलकर जाते हैं? गुड नाइट, G double O D good, N I G H T night. Good night means रात की नमस्ते. I will be repeat again. Chapter number one, sweet habit मतलब मीठी आदतें. Question number one, हमारा जो first number है वो क्या है? When you meet someone, W H E N when, Y O U M double E T meet, S O M E some O N E one. When you meet someone, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? Answer is hello, H E double L O hello, H E double L O hello. Hello means क्या होता है? Hello. हिंदी में भी हम उसको हेलो ही बोलते हैं. नंबर सेकंड है एफ ओ आर फोर ए एस के आई एन जी आस्किंग, एस ओ एम ई सम टी एच आई एन जी एस थिंग, फोर आस्किंग समथिंग. जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है? प्लीज, पी एल ई ए एस ई प्लीज,
PLEASE please, PLEASE please. क्वेश्चन नंबर थर्ड है when you get gift from someone, WHEN when, YOUGET get, GIFT gift, FROM from, SOME some, ONE one. When you get gift from someone, जब हम किसी से उपहार प्राप्त होता है तो हम क्या बोलते हैं, आंसर इज थैंक यू, THANKYOU थैंक यू, THANKYOU थैंक यू, थैंक यू मीन्स धन्यवाद, थैंक यू मीन्स धन्यवाद. फोर्थ नंबर है when you leave someone or sneeze, WHEN when, YOULEAVE leave, SOME some, ONE one, OR or, SNEEZE sneeze. When you leave someone or sneeze, जब हम किसी को छोड़ते हैं या फिर छींकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, SORRY सॉरी, SORRY सॉरी. सॉरी मीन्स क्या होता है, माफी मांगना या माफ करना. WHEN when, YOULEAVE leave, SOME some, ONE one, someone, OR SNEEZE sneeze. जब हम छींकते हैं या किसी को छोड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी, SORRY सॉरी. सॉरी मीन्स माफ करना या माफी मांगना. नंबर फिफ्थ है when you go to bed for sleep then you say, WHEN when, YOUGOTO go to bed, FOR for, SLEEP sleep, THEN then, YOUSAY say. When you go to bed for sleep then you say. जब हम सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गुड नाइट, GOOD गुड, NIGHT नाइट, GOOD गुड, NIGHT नाइट. गुड नाइट मीन्स रात की नमस्ते. देखो अभी मैंने आपको कराया चैप्टर नंबर वन स्वीट हैबिट्स मतलब मीठी आदतें 1 to 5. तो बेटा आपको ये मैंने पहले भी कराया है तो आज मैं आपको रिवीजन करा रही थी, तो अब आपको ये दोबारा से रिवीजन के लिए अपनी नोटबुक में मेंशन करना है. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. थैंक यू, हैव ए नाइट. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनू मैम, योर SS टीचर फ्रॉम फर्स्ट क्लास. टुडे आई टीच चैप्टर नंबर 8. इन लास्ट वीडियो वी विल टीच ट्रू फॉल्स, सॉरी, टिक ऑप्शन एंड वर्ड मीनिंग. आई विल टीच टुडे ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स मीन्स सही और गलत. नंबर फर्स्ट है हमारा वी प्ले, WEVPLAY प्ले, IN इन, THE द, COM, PUTER कंप्यूटर, LAB लैब. वी प्ले इन द कंप्यूटर लैब. क्या हम कंप्यूटर लैब में खेलते हैं, रोंग. तो क्या आएगा, फाल्स. We play in the computer lab. No. तो क्या आएगा, फॉल्स. फॉल्स का F. नंबर सेकेंड है We study, WEVSTUDY study, IN in, THE the, CLASSROOM room. We study in the classroom. क्या हम क्लासरूम के अंदर पढ़ाई करते हैं, Yes. तो क्या आएगा, टी. क्या आएगा, टी. वी स्टडी इन द क्लासरूम, यस. क्या आएगा, टी. टी फॉर ट्रू. ट्रू मीन्स सही. अब है नेक्स्ट नंबर 3, द प्रिंसिपल, THE द, PRINCIPAL PAL द प्रिंसिपल, IS इज, THE द, H EAD head, OFO THE the school, SCHOOL school. The principal is the head of the school. क्या प्रधानाचार्य स्कूल का हेड होते हैं, यस. तो इसमें भी क्या आएगा, ट्रू. क्या आएगा, ट्रू. आई विल बी रिपीट अगेन. नंबर फर्स्ट है वी प्ले इन द कंप्यूटर लैब. क्या हम कंप्यूटर लैब में खेलते हैं, नो. तो क्या आएगा, फॉल्स. फॉल्स का F. नंबर सेकंड है वी स्टडी इन द क्लासरूम, राइट. क्या हम कक्षा में पढ़ाई करते हैं, यस. तो क्या आएगा, ट्रू. ट्रू का टी. नंबर थर्ड है द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. क्या प्रधानाचार्य जी स्कूल का हेड होता है, यस. तो क्या आएगा, ट्रू. वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 8. क्वेश्चन आंसर मीन्स प्रश्न
उत्तर, क्वेश्चन आंसर मीन प्रश्न और उत्तर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई डब्ल्यू एच वाई वाई डी ओ डू वी डब्ल्यू वी जी ओ गो टी ओ टू स्कूल एस सी एच डबल ओ एल स्कूल। वाई डू वी गो टू स्कूल कि हम स्कूल में क्यों जाते हैं। हमारा आंसर है We go to W E V G O go T O टू S C H डबल ओ एल स्कूल T O टू L E A R N learn M A N Y many things T H I N G S things। Why do we go to school कि हम स्कूल में क्या करने जाते हैं। We go to school to learn many things. W E V G O go T O टू S C H डबल ओ एल स्कूल T O टू L E A R N learn M A N Y many T H I N G S things. We go to school to learn many things कि हम स्कूल में जाते हैं किस लिए, पढ़ने के लिए। पढ़ने क्या जाते हैं, many things means बहुत सारी चीजें। अब है क्वेश्चन नंबर टू, नेम द N A M E name T H E the P L A C E place W H E R E where W E V P L A Y play W I T H with O U R our F R I E N D S friends। Name the place where we play with our friends कि हम अपने दोस्तों के साथ क्या खेलते हैं। In the playground, correct answer is I N in T H E the playground P L A Y play G R O U N D ground। Name the place where we play with our friends हम अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर खेलते हैं उनका नाम बताओ। In the playground I N in T H E the P L A Y play G R O U N D ground। In the playground मतलब खेलने के मैदान में। क्वेश्चन नंबर आई विल बी रिपीट अगेन, वाई डू वी गो टू स्कूल W H Y वाई डी ओ डू W E V G O गो T O टू S C H डबल ओ एल स्कूल। वाई डू वी गो टू स्कूल कि हम स्कूल में क्या करने जाते हैं। We go to school to learn many things. W E V G O go T O टू S C H डबल ओ एल स्कूल T O टू L E A R N learn M A N Y many T H I N G S things। We go to school to learn many things कि हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं कि बहुत सारी चीजें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर वी प्ले विद अवर फ्रेंड्स। N A M E name T H E the P L A C E place W H E R E where W E V P L A Y play W I T H with O U R our F R I E N D S friends। Name the place where we play with our friends हम अपने दोस्तों के साथ कहाँ खेलते हैं उनका नाम बताओ। In the playground I N N T H E the P L A Y play G R O U N D ground। In the playground। Question number third, name the place N A M E name T H E the P L A C E place W H E R E where T E A C H E R S teachers D O do T H E I R there W O R के work A N D and T A K E take R E S T rest। Name the place where teachers do their work and take rest कि अध्यापक अपना काम कहाँ करती है और आराम भी कहाँ करती है उसका नाम बताओ। Correct answer is in the staff room do their work and take rest and the teacher do their work। Name the place where teachers do their work and take rest teacher अपना काम और आराम कहाँ करती है। In the staff room I N in T H E the staff room S T A double F staff R double O M room। In the staff room
NAME name, TH the, PLACE place, WHER where, TEACHERS teacher, DO do, THEIR there, WORK work, ANDN, TAKE take, REST rest. Name the place where teachers do their work and take rest. In the staff room. कहाँ करती है आराम? In the staff room. Staff room means staff कक्ष कि जो अध्यापक का कमरा होता है उसके अंदर. अब है क्वेश्चन नंबर 4. Who is the H O who I S is T H the who is the head H E A D head of a school O F O A S C H double O L school W H O who I S is T H the H E A D head O F O A school S C H double O L school who is the head of a school कि school का हेड कौन है मुखिया कौन है आंसर इज प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल पी आर आई एन सी आई पी ए एल प्रिंसिपल आई एस इज टी एच द एच ई ए डी हेड ओ एफ ओ ए स्कूल एस सी एच डबल ओ एल स्कूल हु इज द हेड ऑफ ए स्कूल प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ ए स्कूल पी आर आई एन सी आई पी एल प्रिंसिपल आई एस एस टी एच ई दी एच ई दी ए डी हेड ओ एफ ओफ ए एस सी एच डबल ओ एल स्कूल की प्रधानाचार्य होता है वो हमारा स्कूल का मुखिया होता है क्वेश्चन नंबर 3 आई विल बी रिपीट अगेन नेम द प्लेस वेयर टीचर्स डू देयर वर्क एंड टेक रेस्ट जगह का नाम बताओ जहाँ पर टीचर अध्यापक अपना काम करती है और आराम करती है तो कहाँ करती है इन द स्टाफ रूम आई एन इन टी एच द एस टी ए डबल एफ स्टाफ आर डबल ओ एम रूम इन द स्टाफ रूम नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज द हेड ऑफ ए स्कूल हु इज द हेड ऑफ ए स्कूल डब्ल्यू एच ओ हु आई एस एस टी एच द एच ई ए डी हेड ओ एफ ऑफ ए एस सी एच डबल ओ एल स्कूल हु इज द हेड ऑफ द स्कूल आंसर इज प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ ए स्कूल P R I N C I P A L principal I S H T H I D A H E A D head O F O F A S C H double O L school प्रधानाचार्य जो होता है वो हमारा स्कूल का मुखिया होता है देखो बेटा अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 के पहले ट्रू फॉल्स कराए हैं अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर डू इन योर एसेस फेयर नोटबुक राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन थैंक यू हैव ए नाइस डे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू MLP YouTube चैनल I Seema from MLP International School Rajpura student our class is first and subject is math and in the last video we did completed chapter number 7 properties of numbers 1 to 100 and now today we will read what you have learned ki aapne jo ye 7th number chapter tha properties of number isme aapne kya क्या सीखा ये आपको करना है ठीक है तो फर्स्ट नंबर है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन टिक है उस पर आपको करेक्ट का साइन यूज करना है विथ साइन रिप्रेजेंट इक्वल टू कि जो थ्री साइन है इनमें से इक्वल टू का कौन सा साइन होगा बेटा देखो ये हमारा ग्रेटर देन है ये हमारा लेस देन और हमारा इक्वल टू का साइन कौन सा हो गया बेटा जो थर्ड नंबर पे साइन है वो हमारा कौन सा है इक्वल टू ओके उस पे ऐसे टिक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 68 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 68 में 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो बेटा देखो ये मैंने कल आपको बताया था कि ये हमारा वंस प्लेस है और ये हमारा टेंस प्लेस है तो टेंस की 6 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 66 और 0 में से 60 क्योंकि 6 कौन से नंबर पे यहाँ पे टेंस पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर कि जो ये नंबर दिए हुए इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है तो फर्स्ट नंबर है बेटा 24 28 23 26 22 और 25 इन नंबरों को आपको अरेंज करना है फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है बेटा चढ़ते हुए क्रम तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटी डिजिट देखेंगे हम यहाँ पे कि सबसे छोटी डिजिट क्या है बेटा यहाँ पे 22 तो हम यहाँ पे 22 राइट करेंगे देन फिर हमारी 23 फिर 24 देन 25
और लास्ट डिजिट हमारी क्या बच गई, सॉरी 26, और लास्ट में क्या है बेटा 28। ओके, फर्स्ट सबसे छोटी है 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, 26, 28। ओके, अब नेक्स्ट है 81, 82, 88, 83, 85 और 87 में सबसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे छोटी डिजिट क्या है बेटा 81। नेक्स्ट 82, 82, देन 83, फिर 85, 87 और 88। आपको इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करनी है आपको। तो 46 क्या बनेगा बेटा, 40 प्लस 6 इज इक्वल टू 46। 35, 30 प्लस 5। 29, 20 प्लस 9। 58, 50 प्लस 8। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट ए नंबर इन द जो बॉक्सेस टू मेक द सेंटेंसेस करेक्ट, जो कि सेंटेंस को करेक्ट बना सके वो नंबर आपको राइट करना है। तो 28 इज ग्रेटर देन, कि 28 किससे बड़ा है बेटा बताओ, 28 इज ग्रेटर देन 27, 12 इज ग्रेटर देन 11, 12 किससे बड़ा है 11 से। ओके, 42 इज ग्रेटर देन 41 एंड डैश इज स्मॉलर देन 19, 18 इज स्मॉलर देन 19। ओके, सो फर्स्ट नंबर क्या बेटा, 28 इज ग्रेटर देन 27, 12 इज ग्रेटर देन 11, 42 इज ग्रेटर देन 41, नेक्स्ट 18 इज स्मॉलर देन 19। अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 2। ओके, कि जो आपका ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसमें आपको सेकंड नंबर है, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट नंबर करा चुकी हूँ, अब हम सेकंड नंबर करेंगे। तो फर्स्ट है बेटा टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन टिक है उस सही है उस पर टिक लगाना है। तो टेकिंग अवे मीन्स क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या नथिंग। सो टेकिंग अवे मीन्स सब्ट्रैक्शन, दूर ले जाना। ओके, घटाना, दूर ले जाना। अब है 110 एंड 6 वंस मेक, 110 एंड 6 वंस मेक, 110 एंड 6 वंस मेक 16, 61 एंड 96। देखो 110 है और 6 वंस है तो मेक क्या बनाएगा बेटा 16, तो आपको 16 पे टिक करना है। नेक्स्ट है इन 68 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 68 में देखो ये हमारा वंस प्लेस है और ये हमारा टेंस प्लेस है, तो 68 में 6 की वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू 60। ओके, 68 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 60। अब है मैच द नंबर्स नेम विद देयर नंबर्स, जो नंबर्स नेम है इनको इनके इनके साथ मैच करना है। तो देखो 55 नंबर है हमारा 55, तो 55 देखो कहाँ पे राइट किया हुआ है, ये 67 है, 33 है, 24, 42, 55, तो 55 देखोगे बेटा फर्स्ट नंबर को हम किससे मैच करेंगे, लास्ट नंबर से। अब है 24 देखे, 67, 33 ये क्या है हमारा 24, तो 24 को 24 से राइट करेंगे। अब है 33 हमारे देखेंगे सेकंड नंबर पे कौन सी डिजिट है हमारी 33। अब है 42, तो 42 कहाँ पे बेटा, ये हमारा कौन सा नंबर है 42। अब लास्ट हमारा कौन सा बच गया 67। इनको नंबर नेम को इनके नंबर्स के साथ मैच करना था। ओके, अब बेटा थर्ड नंबर है राइट एक्सपेंडेड फॉर्म इन फिगर्स, फिगर्स को इन जो ये नंबर्स थे इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो 76 क्या बनेगा बेटा, 70 प्लस 6 इज इक्वल टू 76। 38, 30 प्लस 8 इज इक्वल टू 38, 80 प्लस 1 इज इक्वल टू
1, next 90 plus 5 is equal to 95. ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था बेटा. इसके बाद अब अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, चढ़ते हुए क्रम. तो हमें चढ़ते हुए क्रम में करना है. देखो 24, 28, 23, 26, 22 और 25 में सबसे छोटा डिजिट क्या है बेटा हमारा, 22. ये हमारा हो गया. देन इसके बाद हमारी छोटी डिजिट ये हो चुका है. देखेंगे 24, 28, 23, 26 और 25 में छोटी डिजिट क्या बेटा, 23. देन उसके बाद 24 है, उसके बाद 25, फिर 26 और लास्ट में क्या आएगा बेटा, 28. अब है 81, 82, 88, 83, 85 और 87 में बताना है. तो सबसे छोटा नंबर क्या बेटा, 81. फिर हम राइट करेंगे 82, देन फिर 83, उसके बाद 85, फिर 87 और लास्ट नंबर क्या होगा हमारा सबसे बड़ा, 88. इसमें हमें क्या करना था कि सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट राइट करनी थी. ओके, अब है बेटा 5 नंबर क्वेश्चन. देयर आर 9 ग्रीन लीव्स ऑन ए प्लांट. कि जो एक प्लांट है उसपे 9 हरी पत्तियां है, ग्रीन लीव्स, 6 लीव्स फॉल डाउन, उसमें से 6 पत्तियां गिर गई. हाउ मैनी लीव्स आर लेफ्ट ऑन द प्लांट. कि अब जो प्लांट है उसपे कितने लीव्स रह गए हैं. तो देखो बेटा ये हमारा सब्ट्रैक्शन का समय, 9 में से हम 6 लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे कितने बचेंगे. देखो 9 रो लगाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कट कितने करेंगे, 6 रोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रोज हमने कट की. अब हमारे पास कितनी रोज है बेटा, 1, 2, 3, कितने रोज हो गए, कितने लीव्स हो गए बेटा, 3 लीव्स. सो देयर आर 3 लीव्स लेफ्ट ऑन द प्लांट. अब उस प्लांट पे कितने लीव्स है, 3 लीव्स. ओके, सो बेटा आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू. Today I will revise sentences part 1 and sentences part 2 in English grammar. So let's we start, dear student. Classes first. Okay. बेटा पहले की वीडियो में मैं आपको sentences part 1 और 2 write down करा चुकी हूँ. जिन बच्चों ने write down नहीं किए हैं वो write down भी करें, और exam आने वाले exam की preparation के लिए इन्हें revise याद भी करें. Okay. So let's we start sentences part 1. शरारती मत बनो. शरारती मत बनो. डोंट बी नॉटी. डोंट बी नॉटी, एन ए यू जी एस टी वाई, नॉटी. डोंट बी नॉटी, शरारती मत बनो. जब आप कुछ शरारत करते हो घर पर या स्कूल में तो क्या बोलती है मम्मा और टीचर आपको, यस डोंट बी नॉटी. रोहित डोंट बी नॉटी, शरारती मत बनो. डोंट बी नॉटी. नेक्स्ट इज इसे साफ करो. इसे साफ करो. क्लीन इट. क्लीन इट, बच्चों की आदत होती है ज़्यादातर चीज़ें को फैला देते हैं, तो क्या बोलते हैं मम्मा आपको, बेटा क्लीन इट. रिया क्लीन इट. ओके, तो इसे साफ करो. क्लीन इट, इसे साफ करो. क्लीन इट, सी एल ई ए एन, क्लीन आई टी इट, क्लीन इट. नेक्स्ट इज कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम, एन ओ नो पी आर ओ प्रो बी एल ई एम, ब्लम प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम, एन ओ नो पी आर ओ बी एल ई एम, प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम.
सीधे जाना गो स्ट्रेट जीओ गो एस टी आर ए आई जी एस टी स्ट्रेट गो स्ट्रेट सीधे जाना जियो गो एस टी आर ए आई जी एस टी गो स्ट्रेट सीधे जाना। नेक्स्ट इज सेंटेंस पार्ट टू, कहीं नज़र ना लगे टच वुड TOUCH टच WOOD वुड टच वुड कहीं नज़र ना लगे टच वुड TOUCH टच WOOD वुड टच वुड कहीं नज़र ना लगे टच वुड। नेक्स्ट इज अति सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल MOST मोस्ट BEAUTIFUL ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल अति सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज शाबाश को कहा वेल डन WELL वेल DONE डन वेल डन शाबाश वेल डन। नेक्स्ट इज एंड लास्ट कुछ खास बात नहीं nothing special 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 nothing special कुछ खास बात नहीं nothing special। dear student I repeat again शरारती मत बनो don't be naughty इसे साफ करो clean it कोई बात नहीं no problem सीधे जाना go straight next कहीं नज़र ना लगे touch wood अति सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल शाबाश वेल डन कुछ खास बात नहीं nothing special ओके डियर स्टूडेंट सेंटेंसेस पार्ट 1 and 2 इज कंप्लीटेड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके बेटा रिवाइज चैप्टर सेंटेंसेस पार्ट 1 and 2 ओके बेटा थैंक यू हैव अ नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे आई विल डू सम एक्सरसाइज इन चैप्टर 4 फूड फ्रॉम प्लांट्स। ओके इन द लास्ट वीडियोस आई रीड चैप्टर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। ओके टुडे I will do some exercise in chapter 4 in science subject. So let's we start dear student classes first. Our first question is write F for fruit, V for vegetable and C for cereal and P for pulses. Fruit fall ho gayi beta, vegetable sabziyan, cereal anaj aur pulses dalein. Okay, aapko jahan box mein aapko picture di hui hai box ke mein sath sath F write down wahan karna hai jo fruit hoga. वी राइट डाउन करना है जहाँ वेजिटेबल होगा सी राइट डाउन सीरियल एंड पी फॉर पल्सेस। ओके फर्स्ट पिक्चर इज ए रेडिश सो राइट डाउन वेजिटेबल वी। नेक्स्ट इज ऑरेंज एफ
नेक्स्ट इज ग्राम, छोले, पी पल्सेस में आएगा बेटा ये। नेक्स्ट इज कॉर्न, ये सीरियल्स हो जाएंगे। ऑनियन, वेजिटेबल वी, एप्पल फ्रूट एफ, राइस सीरियल अनाज एंड दाल पल्सेस पी दाल। ओके नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट चूज करना है और राइट डाउन करना है ब्लैंक में। ओके फर्स्ट इज ब्लैंक इज ए वेजिटेबल, ब्लैंक इज ए वेजिटेबल, चेरी या कैबेज। चेरी आपकी वेजिटेबल है, कैबेज है, राइट इज कैबेज। सो राइट डाउन कैबेज इज ए वेजिटेबल। नेक्स्ट इज व्हीट एंड राइस आर ब्लैंक, वीट गेहूं और चावल है वो क्या है बेटा, सीरियल्स हैं पल्सेस हैं, सीरियल्स अनाज पल्सेस दालें। वीट एंड राइस आर, वीट और राइस क्या है, सीरियल या पल्सेस, तो बेटा सीरियल्स होती हैं वीट एंड राइस। सो वीट एंड राइस आर सीरियल्स। नेक्स्ट इज व्हेन वी ईट स्पिंच वी आर ईटिंग ब्लैंक, जब हम स्पिंच, स्पिंच मीन्स पालक, जब हम पालक खाते हैं तो उसको क्या खाते हैं, उसके हम सीड्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, क्या खाते हैं बेटा उसकी लीव्स खाते हैं, उसकी लीव्स पत्तियाँ। व्हेन वी ईट स्पिंच वी आर ईटिंग लीव्स। ओके नेक्स्ट इज किडनी बीन्स एंड दाल्स आर ब्लैंक, किडनी बीन्स राजमा और जो दाल होती है वो क्या होती हैं, सीरियल्स होती हैं या पल्सेस होती हैं, क्या होती हैं पल्सेस। किडनी बीन्स और जो दाल है बेटा वो हमारी पल्सेस दालें होती है। ओके नेक्स्ट इज ब्लैंक कैन बी ईटन रो और कुक्ड, रो मीन्स कच्चा, कुक्ड मीन्स पका हुआ। कैरेट और बिंजल में से हम किस चीज़ को कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से खा सकते हैं, कैरेट को। सो राइट डाउन कैरेट कैन बी ईटन रो और कुक्ड, ब्रिंजल को तो आप नहीं खा सकते हो ठीक है। सो राइट डाउन कैरेट कैन बी ईटन रो और कुक, जो गाजर होती है उसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। ओके नेक्स्ट राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू मीन्स सत्य और फॉल्स मीन्स असत्य, कोई चीज़ें अगर बेटा सही बोल रहा है वो तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम ट्रू, जो चीज़ें गलत बोल रहा है उसके लिए यूज करेंगे हम फॉल्स। फर्स्ट इज व्हीट एंड राइस आर सीरियल्स, व्हीट एंड राइस आर सीरियल, जो अनाज और गेहूं है, अनाज और जो चावल है, गेहूं और चावल है वो अनाज है। यस दिस इज राइट, सो राइट डाउन ट्रू, जो गेहूं और चावल है वो अनाज होते हैं। दिस इज राइट, सो राइट डाउन टी फॉर True. Next is vegetables such as onion or carrots can be eaten raw or cooked. Vegetable में जैसे प्याज और गाजर है उन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। Yes, this is right. So write down T for true. Next is we get only fruit and vegetable from plants. कह रहे कि हमें पौधों से फल और सब्जियां ही प्राप्त होती है। नो दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज ऑन हमें प्लांट से सीरियल्स पल्सेस और भी कुछ ज़्यादा और भी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, ओनली कह रहा है फ्रूट्स और वेजिटेबल प्राप्त होती है। नो दिस इज़ रॉन्ग, सो राइट डाउन एफ फॉर फॉल्स। ओके नेक्स्ट इज मैंगो एंड गवावा आर वेजिटेबल्स, मैंगो और गवावा वेजिटेबल्स हैं। नो दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज मैंगो और गवावा क्या है हमारी फ्रूट्स, सो राइट डाउन फॉल्स। नेक्स्ट इज वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हम पौधे के विभिन्न भागों को, अलग अलग भागों को खा सकते हैं। दिस इज़ राइट, सो राइट डाउन टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट द मैचअप मैच द फॉलोइंग, मैचअप इज स्पिंच एंड लिटियस हो गए हमारे लीव्स, कॉलीफ्लावर ब्रोकली फ्लावर, वीट एंड राइस इज सीरियल, किडनी बीन एंड दाल इज पल्सेस, एंड कैरेट रेडिस इज रूट, जड़ें होती हैं। नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग, टू वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन रो और कुकड, कोई दो वेजिटेबल जो जिन्हें कच्चा और पका कर खाया जा सकता है, अनियन एंड कैरेट, अनियन एंड कैरेट। थ्री सीरियल्स, कोई तीन अनाज बेटा, अनाज बताएं, वीट राइस कॉर्न।
Next is two pulses. Pulse is dal and gram. Next is fruits. Apple, banana, mango. Three fruit हो गए हमारे apple, banana and mango. बेटा क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोटबुक में रिवाइज करा चुकी हूँ, याद करा चुकी हूँ, आप नोटबुक से याद करें. यह भी बुक की एक्सरसाइज हो रही है. ओके नेक्स्ट इज टिक ऑप्शन. विच ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ प्लांट डू वी ईट. विच ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ प्लांट डू वी ईट. लीफ, सीड, फ्लावर या ऑल ऑफ दिस. यस राइट, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज हम पौधे के सभी पार्ट्स को खा सकते हैं. लीफ भी, स्पिंच की लीफ होती हैं, सीड्स के रूप में भी और फ्लावर के रूप में भी, और ऑल ऑफ फ्लावर के रूप में भी हम खा सकते हैं. तो हम पौधे के सभी पार्ट्स को खा सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस इज नॉट ए फ्रूट. फ्रूट नहीं है इसमें क्या, चेरी, वाटरमेलन, वीट या पीच. वीट, यस वीट गेहूं हो गया है, फ्रूट नहीं है, सो टिक द वीट. नेक्स्ट इज दिस इज नॉट ए सीरियल. मैजे, किडनी बीन्स, राइस, वीट. यस किडनी बीन्स राजमा सीरियल नहीं है बेटा, ये पल्सेस में आता है, सो टिक द किडनी बीन्स. नेक्स्ट व्हेन वी ईट कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली वी आर ईटिंग. जब हम कॉलीफ्लावर ब्रोकली को खाते हैं तो उसको किस पार्ट को खा रहे हैं हम, लीव्स को, सीड्स को, फ्लावर या स्टेम्स. यस राइट डाउन, यस टिक द फ्लावर्स, क्योंकि उसके हम फ्लावर वाले पार्ट को हम खाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 4 एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके बेटा रिवाइज दिस एक्सरसाइज, चैप्टर 4 एक्सरसाइज. ओके बेटा थैंक यू, हैव अ नाइस डे. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र करेंगे. देखिए बेटा, जब आपको घर पर कोई ज़रूरी काम हो जाता है तो आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखेंगे, तो आज हम करेंगे पत्र. जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र लिखो. जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है. देखिए, सेवा में सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, इसके बाद हम कोई शब्द नहीं लिखेंगे. अगली लाइन से शुरू करेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, अगली लाइन में लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, इससे अगली लाइन में लिखेंगे MLP सीनियर सेकेंडरी स्कूल. ठीक है, अगली लाइन में क्या लिखेंगे, MLP सीनियर सेकेंडरी स्कूल. स्कूल के बाद अगली लाइन से लिखेंगे हम राजपुरा, MLP सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा. हमारा स्कूल कहाँ पे है बेटा, राजपुरा. ठीक है, फिर से अगली लाइन में लिखेंगे हम महोदय जी, इससे अगली लाइन में लिखेंगे महोदय जी, महोदय जी, इससे आगे लिखेंगे हम सविनय निवेदन, सविनय निवेदन. यह है कि मुझे घर पर एक जरूरी काम है. सविनय निवेदन यह है कि मुझे घर पर एक जरूरी काम है. ठीक है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता. कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें. इसके बाद लिखेंगे धन्यवाद, इसके बाद लिखेंगे बेटा धन्यवाद, इससे अगली लाइन में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य. यदि आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे शिष्या, यदि लड़का है तो लिखेंगे शिष्य. ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम आपका जो भी यहाँ पे नाम है वो आपको नाम लिखना है, कक्षा पहली. ठीक है, फिर से रिवाइज करा लूँ एक बार. जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र, सेवा में प्रधानाचार्य जी, MLP सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा, महोदय जी, सविनय निवेदन यह है कि मुझे, सविनय निवेदन यह है कि मुझे घर पर एक जरूरी काम है. सविनय निवेदन यह है कि मुझे घर पर एक जरूरी काम है, इसलिए मैं
घर पर जरूरी काम है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश मीन्स होता है बेटा छुट्टी, अवकाश मीन्स छुट्टी होती है। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश या छुट्टी प्रदान करें। इसके बाद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम अपना जो भी यहाँ पे नाम है वो लिखना है, कक्षा पहली। एक बार फिर से देखिए बेटा, सेवा में प्रधानाचार्य जी MLP सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा। महोदय जी, सविनय निवेदन यह है कि मुझे घर पर एक जरूरी काम है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम कक्षा पहली। तो बेटा ये था आपका प्रार्थना पत्र जरूरी काम के लिए। आपको अपनी हिंदी की कॉपी में इस पत्र को साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है और अच्छे से याद भी करना है। ओके बेटा, धन्यवाद।